अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर करा था हाउ टू डिप्लॉय अ वेबसाइट ऑन अ सर्वर विद फ्री होस्टिंग, जिसमें हमने 000 वेब होस्ट को यूज़ करा था। बहुत ही सिंपल, इजी और बेसिक स्टेप्स थे उसके अंदर। सबसे पहले हमने रजिस्टर करा था अपने गूगल अकाउंट से, देन फिर प्रोजेक्ट नेम क्रिएट करा था, और फिर फाइल मैनेजर का इंटरफेस सामने आया था और उस पर हमने अपनी वेबसाइट को अपलोड करा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हाउ टू होस्ट वेबसाइट ऑन फायरबेस। ये भी 000 वेब होस्ट की तरह ही एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू 000 वेब होस्ट, तो ये वीडियो आप पूरी देखें बिना स्किप करें, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना कर दें। तो आए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले जाना है हमें अपने ब्राउजर पर और सर्च करना है फायरबेस। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा फायरबेस की वेबसाइट पर। सबसे पहले समझते हैं फायरबेस है क्या। फायरबेस बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है जो हमें प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, टेस्ट लेब और ऑथेंटिकेशन वगैरह। हम बात कर रहे हैं होस्टिंग की। यहाँ पर आने के बाद गेट स्टार्टेड पे करेंगे। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, अगर आपने नहीं करा हुआ तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर दूंगा अपने प्रोजेक्ट का नाम। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया वेलकम। अच्छा, यही नेम आगे चल के मेरी वेबसाइट का URL बनेगा। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल हुआ है। मैं इसको कर दूंगा डिसेबल क्योंकि मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। गूगल एनालिटिक्स एक सपोर्ट है गूगल की तरफ से जो हमें इन्फॉर्म करती है, हमें बताती है हमारी साइट की रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट करती है बेसिकली हमारी साइट को कितना सोर्स ऑफ ट्रैफिक आ रहा है हमारी साइट पर। यहाँ पर आने के बाद मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और प्रोजेक्ट मेरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। मैं कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा और ये मुझे ले आया मेरे कॉन्सोल पर। वेलकम टू माय चैनल, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर शो हो गया। अच्छा, एक और बात, नोट जे एस जो है वो मस्ट है कि आपने इंस्टॉल करा वो। तो ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको नोट जे एस लिखना है और यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक करके नोड जेएस को अपने पास सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। मैंने एक सिंपल सी साइट बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फायरबेस का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक पब्लिक का फोल्डर बनाया हुआ है। ये मेरा मेन फोल्डर है जो मैं डिप्लॉय करूँगा फायरबेस पर, और इस फोल्डर के अंदर मैंने इंडेक्स की एक फाइल बनाई हुई है। मैं आपको लोकली अपने ब्राउजर पे रन करके इसको दिखा देता हूँ। वेलकम टू माय चैनल और सब्सक्राइब नाउ का बटन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर जाएगा मेरे चैनल पर। यहाँ तक करने के बाद आपको फायरबेस वाले फोल्डर में जाना है। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, मैंने फायरबेस के नाम से बनाया है। और यहाँ पर आपको लिखना है CMD। ये मुझे ले आया कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने मुझे फायरबेस के टूल्स इसमें इंस्टॉल करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कमांड लिखेंगे npm install -g firebase टूल और एंटर करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है तो यहाँ पर वेट करते हैं। ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हमारे पास हो चुका है। अब हमें लिखना है यहाँ पर फायरबेस लॉगिन और कमांड रन करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI यूजेज एंड एरर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस, तो मैं इसको यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ। तो मैंने वाई लिख के एंटर करा और ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे साइन इन वाले पेज पर और कहेगा चूज एन अकाउंट।
जिस अकाउंट्स पे मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, वही अकाउंट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिससे मैंने फायरबेस में साइन इन करा हुआ है। मैंने इसे सेलेक्ट करा, और फायरबेस CLI लॉग इन सक्सेसफुली। अब आना है दोबारा हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ पर लिखना है फायरबेस इनिशियलाइज। एंटर करा। आर यू रेडी टू प्रोसीड? ऑब्वियसली मैंने यस वाई लिख के मैंने एंटर करा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, रियल टाइम डेटाबेस पे काम करना चाह रहे हो, स्टोरेज यूज़ करना चाह रहे हो, होस्ट करना चाह रहे हो? तो भाई मैं अपनी साइट यहाँ पर होस्ट करने के लिए आया हूँ, तो एरो के बटन से इसको लाएंगे यहाँ पर नीचे, होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल और फायरबेस होस्टिंग। यहाँ पर आने के बाद इसको सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार प्रेस करेंगे और देन एंटर। यहाँ पर आके हमसे पूछ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन, यूज़ एरो की, यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है वेलकम टू माई चैनल के नाम से, तो मैं उसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया, इससे मुझे मेरे प्रोजेक्ट के यहाँ पर नाम शो कर दिया, वेलकम टू माई चैनल। मैंने यहाँ पर एंटर करा। अब इससे मुझसे पूछ रहा है वॉट डू यू वॉन्ट टू यूज़ एज योर पब्लिक डायरेक्ट्री। मैंने यहाँ पर एंटर करा, मुझे अपनी जो मेरा पब्लिक का फोल्डर है मुझे वो यूज़ करना है। अब ये मुझसे बोल रहा है री राइट ऑल यू आर एल्स टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैंने बोला नहीं नो, गिटअप पे भी मुझे अभी डिप्लॉय नहीं करना। मैंने एन लिख के एंटर करा। अब ये मुझसे पूछ रहा है फाइल पब्लिक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवर राइट। अगर मैं इसको वाई कर दूंगा तो जो इनका फायरबेस का जो डिफॉल्ट इंडेक्स पेज होता है वो ओवरराइट हो जाएगा इसके ऊपर मेरे इंडेक्स के पेज पे। तो मुझे यहाँ पर भी एन लिख के एंटर करना है। इनिशियलाइजेशन मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे साइट को डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए जो कमांड लिखते हैं वो है फायरबेस डिप्लॉय। फायरबेस डिप्लॉय लिख के एंटर करा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है तो इसको चलने देते हैं। डिप्लॉइंग टू वेलकम टू माई चैनल। वेबसाइट हमारी डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ पर मुझे इसने होस्टिंग यूआरएल भी दे दिया। ये यूआरएल कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। ये मेरी वेबसाइट है जो मेरे पास लोकली ब्राउज़र पर चल रही है। न्यू टैब पर आते हैं और यहाँ पर आके यूआरएल पेस्ट करते हैं और उसको ब्राउज़ करते हैं। तो सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है फायरबेस पर। वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब नाउ का बटन है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट भी कर रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई और टॉपिक कवर करना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस में उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच।